हर खिलौना 30 रुपए, 30 रुपए में हर खिलौना ले लो। आप आ गए वर्दी वाले गुंडे। रुक जाओ भाई, ये हमारे नए एसीपी है। नमस्ते सर। एसीपी है तो क्या हुआ, शायद ये नहीं जानता कि हम सत्या के आदमी है। जानता तो हाथ नहीं उठता। अभी इसी वक्त सत्या यहाँ पे आना चाहिए। सत्या तो बहुत बड़ा आदमी है सर। सबूत जब तक नहीं मिलता तब तक वो बड़ा आदमी है। मेरे पास सबूत है, उसे यहाँ बुलाओ। कौन हो तुम लोग? सत्या साहब के आदमी। मैंने बुलाया था सत्या को। सत्या नहीं, सत्या साहब। ये कुछ भी करे चुपचाप रहो। बंद कर दो तीनों को, चलाओ। पॉलिटिशियंस इसमें दखल मत दीजिए सर। सत्या के आदमी को छोड़ दो, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, मैं अपनी ड्यूटी करूंगा। मुझे मुझे अकेले को मारने के लिए इतने कुत्तों को भेजा है सत्या ने। अगर मर्द का बच्चा है तो उसे यहां आने के लिए बोलो। I love you man, I love you। तूने सोचा कि तुझे मारने के लिए सब आए हैं? नहीं, तुझे तड़पते देखकर एंजॉय करने के लिए आए हैं। तुझे सिटी में आए भी 3 दिन हुए, अपनी ताकत तो तूने दिखा दी, अब मेरी ताकत नहीं देखेगा? बॉयज रिलैक्स। चलो देखते हैं, कम ऑन, आ जाओ। Your chance is over. Now, my chance. Thank you.
से पहले कोई यमराज को नहीं देखता। तुम किस्मत वाले हो, देख सकोगे। सत्य मैं नहीं हूं, वहां देखो। डेड एसीपी। इसे किसने मारा? उग्रवादियों ने मारा। चत्रु, इस लाश को सिटी सेंटर के सामने डलवा दो। सर, मैं कांस्टेबल सुबोध कुमार बोल रहा हूँ सर। सत्या ने एसीपी साहब को मार के उनकी लाश को यहाँ सिटी सेंटर के पास फेंक दिया है सर। क्या? सत्या ने नहीं, उग्रवादियों ने। तुम नए नए ड्यूटी पर आए हो ना, जल्दी स्टेशन आ जाओ। हेलो ब्रदर, रिक्शा चलेगा? पूछ के देखो चलेगा कि नहीं। नहीं चलेगा, मुझे चलाना पड़ता है। कहाँ जाओगे? तुम ही बताओ। शहर में नए आए हो? सही पहचाना, रहने के लिए जगह भी चाहिए। ए, मैं तुम्हें दल्ला दिखता हूँ? मैं रिक्शा चलाता हूँ लेकिन आज तक किसी से कमीशन नहीं खाया। नेशनल कॉलेज, भाटिया कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, सब जगह लोगों को पता है कि मेरी स्टील बॉडी है। टच करोगे क्या? आ जाओ। हेलो, आइडिया, इसे अपने ही घर में रख के भाड़ा वसूल कर सकता हूँ। हेलो, मेरी बात सुन के अगर तुम नखरे करते तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करता। बोले वाले शरीफ दिखते हो। हाँ। कुछ एंगल में मुझसे ज्यादा हैंडसम भी दिखते हो। आओ घर दिखाता हूँ। अरे, अरे क्या कर रहे हो? अरे, अरे चुप जाओ, चुप जाओ, चुप जाओ। कौन है ये लोग? शहर में किसी के बारे में भी बात करो, ये सत्या के आदमी है, इनके बारे में बात करोगे तो मरोगे। सुना, वहां जो बैठा है ना, कहने के लिए कॉलेज स्टूडेंट्स हैं पर दादागिरी करते हैं, संभल कर जाना। आप रे, ये गया काम से। क्या बात है? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गणेश है, यहाँ सोसाइटी में नया आया हूँ। हेलो। 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 सॉरी सर, पता नहीं था आप इतने अच्छे इंसान हैं। बैठिए सर, एक नहीं, मुझे जाके फ्लैट देखना है। आप बैठिए तो सही, आपका फ्लैट कहाँ भागे जा रहा है? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। ए, ए, सुनो, उसे बाद में देख लेंगे। ए, ये क्या है? राम कुमार के गुंडों ने मुझे पीटा। ए, चल, 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 चल। ए, ये क्या, इतनी अकड़ के साथ शर्ट उतार कर कैरम बोर्ड पे डाल दिया है? मार देते वो लोग, वो तो मैं था इसलिए तुम बच गए। पास में समुद्र है जानते हो ना, उसी में फेंक देते। हाँ। फ्लैट किधर है? ऊपर। ए, मैं बोलते जा रहा हूँ और तुम बिना सुने जा रहे हो। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारी चालाकी मेरे साथ नहीं चलेगी, समझ गए? तुम्हें मेरे साथ मेरे ही फ्लैट में रहना है। ए, क्या कर रहे हो? सुंदर लड़की को देखते ही धक्का मारते हो, तुम्हें कोई तमीज है कि नहीं? इतनी तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ते हो, आखिर क्या इरादा तुम्हारा? ये लड़की लड़
लड्डू की तरह है। एक धक्का मार के प्यार के चक्कर में फंसाने का प्लान है। लड़कियों को प्यार में फंसाना इतना आसान नहीं है। हैंडसम होने का इतना घमंड है तुम में कि मैं इतनी देर से बोलती जा रही हूँ और तुम चुपचाप खड़े हो। मैंने धक्का नहीं मारा। तो क्या मैंने? मैं क्या बोलूं? मेरे बारे में जो भी जानता है वो बोल दे। सुना, ये यहाँ की बहुत बड़ी वो है। वो माने? मवालन। अब समझ गए ना, आइंदा कभी मेरे आड़े मत आना। गर्ल्स फॉलो मी। अरे इसकी आंखों में जरूर कोई जादू है। मेरा हाथ। प्यार नहीं करते तो मेरे सीने पर हाथ क्यों रखा? और फिर खुद बोल सकती थी ना, मुझे बोलने के लिए क्यों कहा? जरूर मेरे अंदर कोई सॉलिड स्टील है। लाटू किसका है? कौन है भाई? अब वो तो जा रहा है। ए तुझे किसने मारा? वो लोग जो बैठे हैं। पता नहीं चलेगा, हम स्टूडेंट्स हैं, मुंह को ढक लो। तू यहीं बैठ। हमारे आदमी पर हाथ उठाना कुत्ते। रुक जाओ, ये उनका एरिया है, बाद में देख लेंगे। चलो। ए, उसका हिसाब तो चुका दिया, अब इस कमीज फाड़ का हिसाब करना बाकी है। सॉरी। साहब को कभी गुस्सा नहीं आता, गांधी जी हैं, मारो तो भी गुस्सा नहीं करेंगे। अबे चुप, मारने से भी गुस्सा नहीं करेंगे, क्या बात देखोगे? देखा, गुस्सा नहीं आया। अरे रे, ये लोग उसे क्यों मार रहे हैं? हाँ यार, इसे गुस्सा ही नहीं आता। ए, तुझे किसने मारा? उन चारों ने भैया। साला कमीज फाड़ के शो दिखाया था। आज के बाद यहाँ कभी नजर नहीं आओगे। मुझे मत मारो, नहीं। बोल, कौन है तू? इसका दोस्त हूं, छोड़ दो। उठो। मैंने उसे तुम पर तरस खा के नहीं मारा, तुम्हारी माँ, पिता और बहन की खातिर मारा। कॉलेज स्टूडेंट्स को गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए। मार खा के इनके साथ पड़े रहोगे या इन्हें ले जाओगे, तुम्हारी मर्जी। हम इन्हें ले जाएंगे भाई। तो ले जाओ। बेटा, अगर आज तुम नहीं होते तो न जाने हमारे बच्चों का क्या। अबे शैतान! अरे ये क्या, जिस तरह उन बदमाशों को मारा उसी तरह इनकी भी पिटाई करो, तभी अकल आएगी। थैंक्स भैया,
यहाँ के लोग जो ना कर सके वो बाहर से आने वाली आपने किया है। ए, तुम सब लोग भैया को सॉरी बोलो। गलती हो गई, गलती हो गई भाई। स्टील बॉडी मेरी नहीं भाई, तुम्हारी है स्टील बॉडी। मैंने कहा था ना पास में समुद्र है, वो तो यहाँ मेरे पैदा होने से पहले ही है भाई। अब मुझे भी इस पर डूबना होगा। लेकिन तुमने उनकी क्या पिटाई की भाई, एक एक मुक्के पर एक एक उड़ गया भाई। मेरी तो बोलती बंद हो गई, मैं तुम्हारे कदमों में लेकर तुम्हारी सेवा करूंगा। ज्यादा बोल गया। ओ, सत्या के आदमी थे आप? सत्या के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? नाम कहीं सुना था इसलिए पूछ रहा हूँ। ये सब लोकल गुंडे हैं, सत्या की तरह शहर में खौफ फैलाना चाहते हैं। अगर ये सचमुच सत्या के आदमी होते तो अब तक ये अपार्टमेंट्स मिट्टी में मिल गए होते। वैसे आपका नाम? मेरा नाम सुबोध कुमार, पास के थाने में कांस्टेबल हूँ। शी इज माय वाइफ रेशमा। नमस्ते। हाल ही में यहाँ मैं ट्रांसफर होकर आया हूँ। वो सब छोड़िए, उनकी खूब पिटाई की, आपकी तारीफ। मेरा नाम गणेश है, यहाँ मैं नौकरी की तलाश में आया हूँ। यहाँ मैं किसी को नहीं जानता, मेरा कोई नहीं है। हम सब है ना भैया? बिल्कुल, मैं भी तो हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से। ए, सब लोग जाओ यहाँ से। चले भाई। ठीक है चलो। क्या है मीना? आपके लिए खाना लाई हूँ भैया। आओ अंदर आओ। तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? इसमें तकलीफ क्या है भैया? भागने दौड़ने के लिए भगवान ने पाँव नहीं दिए, लेकिन खाना बनाने के लिए हाथ तो दिए। लेकिन खाना खिलाने का बड़ा मन सबको नहीं दिया उसने। चलो। लड़की समझदार है, दोनों के लिए खाना लाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा। तुम्हें तकलीफ क्यों? बाप रे, बहुत भूख लगी है। वाह, बढ़िया दाल है। कल खाने में तंदूरी चिकन या मटन फ्राई लेकर आना, ठीक है? खाना बहुत बढ़िया था। थैंक्स भैया। बहन को थैंक्स नहीं बोला करते। गुड नाइट भैया। गुड नाइट। प्रिया, ये खाना तुम मेरे लिए लाई हो? हाँ बिल्कुल। यानी उस वक्त कुत्ता गधा कह के जो गालियां दी थी वो सब झूठ मूठ था? भाई भाई भाई, प्रिया मेरे लिए खाना लेके आई है। तुम्हारे लिए नहीं। फिर किसके लिए लाई हो? तुम्हारी फ्रेंड के लिए। इन्होंने खाना खा लिया, तुम जाओ। क्या, तुमने खाना खा लिया? अभी अभी वो लड़की खिला के गई। लड़की? इस अपार्टमेंट में मुझसे बिना बोले तुम्हें कौन खिला सकती है? कौन है वो बेशरम जिसने तुम्हें खिलाने की जुर्रत की? उसे अपनी जान प्यारी नहीं? किसने किसने खाना खिलाया? मैंने खिलाया प्रिया। तुमने? तुम हो इसलिए बच गई। ठीक है, तुम्हारे लिए कितनी मेहनत से मैं खाना बना के लाई हूँ, धोने वाले खा लो, मैं चली जाऊंगी। कहा ना मैंने खा लिया। नहीं खाओगे तो मैं रो पड़ूंगी। तो इस ऑटो को खिला दो। थैंक्स भाई, मैं रेडी। कुत्तों को खिलाऊंगी पर इसे नहीं खिलाऊंगी। पूरा मूड खराब कर दिया। ये क्या बेटी, वो एक अजनबी है, उसके साथ इस तरह पेश आना गलत नहीं। माँ, बिना मर्जी से करो तो गलत, मैं तो मर्जी से कर रही हूँ। गणेश, मैं तुम्हारी खबर कर लेती। क्या कहा? तुम नहीं समझोगी, हटो। क्या है? खेलो हम जोली, प्यार से गुलाल तो उड़ा। होली आई होली, खेलो हम जोली, प्यार से गुलाल तो उड़ा। हे होली आई होली, रंगों की रंगोली, मस्तियों की धूम तू मचा।
होली आई होली, रंगों की रंगोली, मस्तियों की धूम तू मचा। गालों को भी रंग दो, रंग दो, बालों को भी रंग दो, रंग है बाहरों का, रंग दो, झूम दे कुंवारों का, नाचो मिला के दिल, नाचो रंगीली रुत आई सजा लो सपने। होली होली होली, खेलो हम जोली, होली होली होली, खेलो हम जोली, दिल के उमंगे लहराती। होली आई होली, रंगों की रंगोली, तन मन रंग ले ओ साथी। होली आई होली, खेलो हम जोली, प्यार से गुलाल तू लगा। होली आई होली, खेलो हम जोली, प्यार से गुलाल तू लगा। ओ या तू जोश में हूँ मैं, लगता है डर भी रखे सका। क्या है तुम्हारे दिल में ओ गोरी, बोलो क्या है तुम्हारे दिल में। हाय मैं भी हूँ जवान, तू भी है जवान, हाल बुरा है मेरे दिल का। थोड़ा संभालो दिल को ओ रजनी, थोड़ा संभालो दिल को। हाय 16 बरस की मैं छोरी, दीवानी हूँ मैं थोड़ी, संभालो दिल ऐसे कैसे। आजा तुम्हारी छोरी आजा, बजा दे थोड़ा बाजा, होली में हम मिल जाए। होली होली होली, होली आई होली, खेलो हम जोली, दिल की उमंगे लहराती, मन को लुभाती, प्यार बरसाती, रंग सुनहरे बिखराती। होली आई होली, खेलो हम जोली, प्यार से गुलाल तू लगाओ या। होली आई होली, खेलो हम जोली, प्यार से गुलाल तू लगा। अरे कालिया रंग खत्म हो गया, जल्दी से लेके तो आ। क्या बात है, रंग बिखरा दिल में तेरा, आंखों में है तेरे सपने। पूरे करूंगा सपने ओ सजनी, पूरे करूंगा सपने। इतना बता अरे छलिया, धक धक कर धड़कन क्यों। आई जवानी तुझ पे कसम से, आई जवानी तुझ पे। मेरी जवानी भी है तेरी, दीवानी हूँ मैं तेरी, बसा ले मुझे बाहों में। तेरी पहलिया बोले की आंखें भेद खोले, बसा ले मुझे सांसों में। आई सुहानी रुत आई, कमर लहराई, मैं तेरी हो गई। होली होली होली, होली होली होली, खेलो हम जोली, दिल के उमंगे लहरा दी। होली आई होली, रंगों की रंगोली, तन मन रंग ले आजादी। होली आई होली, खेलो हम जोली, प्यार से गुलाल तू उड़ा। होली आई होली, रंगों की रंगोली, मस्तियों की धूम तू मचा। होली आई होली, खेलो हम जोली, प्यार से गुलाल तू उड़ा। होली आई होली, ओए रंगों की रंगोली, ए मस्तियों की धूम तू मचा। क्यों रे, उधार लेके 3 महीना हो गया, व्यास का पैसा भी नहीं दिया। निकाल पैसे निकाल। ये लो भाई। अरे वो खास क्यों रहा है? उसे कैंसर है भाई। कैंसर? ए बुड़ू, तेरे को सचमुच कैंसर है? हाँ भैया है। मेरा बाप भी कैंसर से मर गया और उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सका। क्यों? उस वक्त मैं जेल में था ना। क्यों?
झूठ बोलने वाले पांच मामू को अपन ने टपका दिया था, वो सब छोड़, अभी तेरे को क्या हेल्प मांगता है बोलना। तुम कितने अच्छे हो सोना भैया, एक्सरे निकालने के लिए 2500 रुपए चाहिए, तुम झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते हो ना। सच बोलता हूँ, 500 मेरे पास है, 2000 मिले तो काम हो जाएगा। तू अपन को सच बोला, अपन को बहुत अच्छा लगा। अरे इसने सच बोला, अरे सब लोग इसको मदद करो, आगे जो भी मदद चाहिए बोलना। तुम हो एक बार जाके चेकअप करवा ले भैया। वो किस लिए? तुम्हारे पापा तो कैंसर से मर गवा रहा ना। ऐसा दाढ़ी वाला रोज एक मिल जाए तो बस हो गया, काम मांगो तो नहीं देगा, भूख लगी है खाना तो कहने से कोई कुछ नहीं देगा, लेकिन कैंसर का नाम सुनते ही पैसा दे दी बेवकूफ ने। लेकिन साला झूठ बोलने वाले को टपका देता है, यही तो टेंशन है। इसे अंदर करता हूँ तो टेंशन बाहर। सब ठीक है भाई, शत्रु साहब आप ही का भरोसा है, इस इलेक्शन में भी हमारी ही जीत हो। आप ही जीतेंगे। थैंक यू सर। भाई खुशखबरी। बोलो। हमारे खिलाफ गवाही देने वाले का पता चल गया है भाई। खत्म कर दूंगा। राकेश तुम दोनों जाकर उसे ठिकाने लगा दो। ठीक है भाई। ये रुपए अंदर रख दो। जी अच्छा। सुनिए, मुझे कुछ मत बताओ। अरे रे प्रिया, वहां मत जा, अंदर चल जल्दी। सुनिए, मत मारिए, मत मारिए, मैं आपके पाँव मरती हूँ। सत्ता के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत, अब इसका अंजाम भी देख ले। नहीं, छोड़ दीजिए। बचाइए प्लीज, बचाइए प्लीज, कोई बचाइए। गवाही ऊपर जाके दे देना, वो सुनेगा। छोड़ो, इन्हें छोड़ दीजिए, छोड़ दो उन्हें। सत्या के खिलाफ गवाही देने की वजह से उसके गुंडों ने से मार दिया बाबूजी। इतने लोगों के होते हुए भी इन्हें किसी ने नहीं बचाया, ऐसे लोगों के बीच रहने से तो मर जाना ही बेहतर है। सुनो रेशमा, 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 ये तुम क्या कर रही हो? सुनो, छोड़ दो भैया, मेरी बात तो सुनो। अरे छोड़ो ना, अरे मेरी बात सुनो रेशमा, देखो रेशमा मेरी बात तो सुनो। पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद जो चाहे कर लो। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, इसके बावजूद भी अगर तुम मरना चाहती हो तो मरो। हेलो, शत्रु है भाई फोन। अरे छोड़ना, कह रहे बहुत जरूरी काम है। अभी आएगा। आज तारीख क्या है? आज 10 तारीख है सर। आने वाली पहली तारीख तेरा आखिरी दिन होगा।
म्यूजिक ऑफ। मोना सुनो सुनो, अगली पहली तारीख मेरा आखिरी दिन होगा कह रहा है। वन मिनट, स्टोरी बढ़िया है, बोल। 15 तारीख को तू पहचानेगा कि डर क्या होता है। 20 तारीख को पब्लिक को पता चलेगा कि तेरा टक्कर लेने वाला कोई मर्द आया है। 25 तारीख को लोगों के मन से तेरा खौफ खत्म हो जाएगा। और 1 तारीख को तू फिनिश। तू है कौन? मास। ए मोना, कोई मास आया है। 15 तारीख कह रहा था, 20 तारीख कह रहा था, जाने क्या क्या कह रहा था। होगा कोई पागल। या। ए, स्टार्ट म्यूजिक। सॉरी सर, सब क्या है सर, हमें बचाइए सर। क्यों बे, तू सत्या साहब के आदमी को रोकेगा? ले जाओ। अच्छा तो तुम हमारे बंदे हो? सत्या साहब मेरे लिए भगवान है, एक बार मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ओके, चलो चलो चलो, अपना काम करो, चलो चलो, मैं तुम्हें सत्या साहब से मिलाता हूँ। वहां के भीड़ की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। अपने गर्लफ्रेंड को ले जा। इसके अलावा 2 और जख्मी हैं। बाबू, इनके मरने से पहले जिसने इन्हें मारा वो मरेगा। वो कौन है पता लगाओ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या किया मैंने? सब कुछ करने के बाद आप पूछते हो क्या किया? किसके बारे में बोल रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही है। उल्टा लेट जाओ, आ जाएगी। फिर भी नहीं आ रही है। उसके लिए मैं क्या करूं? तुम मेरी मदद करो ना। उठो, करता हूं। क्या? मुझे किसी से प्यार हो गया है। बेचारा गया काम से। क्या कहा? तुमने उसे बता दिया कि तुम उसे प्यार करती हो? बताने के लिए बहुत डर लग रहा है मुझे। तो फिर छोड़ दो। छोड़ने से अब बहुत दर्द होगा। वो कौन है मुझे बताओ, मैं उसे बोल देता हूँ, मेरा पीछा तो छूटेगा। आंखें बंद करके बताऊं? नाम बोलने के लिए आंखें बंद करोगी? थोड़ी हिम्मत मिलेगी। ठीक है बोलो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी जगह है, मैं नहीं जानता था। मैंने तुम्हें बहुत सताया प्रिया, प्रिया मेरे पास आ प्रिया। तुम जाबे कुत्ते। एक्सरे के बिना गया तू पहलवान मार के भुर्ता बना देगा, क्या करें? ये इसमें कुछ नहीं, सही रहेगा। पब्लिक में दारू पीना कितना मुश्किल है। आइडिया, इसमें मिलाए के चढ़ाए लिया तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये क्या, ग्लूकोज यहीं पर चढ़ा रहे हो? कौन? हिला मत। हॉस्पिटल में बेड के लिए पैसा नहीं है, डॉक्टरों ने ग्लूकोज चढ़ाने को कहा। मैंने कहा मुझे दे दो, मैं खुद चढ़ा लूंगा। लेकिन ग्लूकोज तो नस से चढ़ाई जाती है, तुम तो मुंह पे चढ़ा रहे हो। स्टार्टिंग स्टेज में नस के जरिए चढ़ाते हैं, मेरा तो एडवांस है ना, इसलिए डायरेक्ट चढ़ाने को कहा। इस छोटी उम्र में तुम्हें क्या क्या तकलीफ उठानी पड़ती है। एक्सरे ले लिया? हाँ खिंचवाया। हाँ
अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। अंदर कोनो पुर्जा हुई तब तो दिखाई दे। डॉक्टर ने क्या कहा? कहा कि दिन गिनना शुरू कर दे। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा दया करके मुझे दिवाली तक की मोहलत दे दे। दिवाली तुम्हें इतना पसंद है? बहुत। उस दिन भोर भोर उठ के नहा धोकर नए नए कपड़े पहनकर आप जैसे लोगों से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। फिर थोड़ा सा मिठाई खाने के बाद दो ही दो लक्ष्मी बम को टप टप फोड़ना चाहता हूँ। एक ही एक फुलझड़ी को जलाने के बाद बस उसी रात को या अगली सुबह को आप जैसे भले मानस का चेहरा देख के। अरे तुम चिंता मत करो, मैं इन सब चीजों का अभी इंतजाम करता हूँ। तुम यही रहना, यही रहना। ऐसे बेवकूफ भी होते हैं दुनिया में। ए, अभी अभी यहाँ से किसने फोन किया था? पता नहीं मालिक, बहुत से लोगों ने किया है। हाँ बोल। ये पीसीओ है भाई। एक लंबी के साथ क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? हमें घर से रिश्ता आया है, शादी कर लो ये कह रहे हैं मेरे माँ बाप। वो नहीं बदलेंगे मीना, इसीलिए मैंने फैसला किया कि हम दोनों एक साथ मर जाएंगे। साथ जी नहीं सकते, साथ मर तो सकते हैं। बहुत खूब, फैसला वाकई बहुत बढ़िया है। कैसे मरना चाहोगे, पटरी पर सर रख के या समंदर में कूद के? आत्महत्या करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, उसमें से 1% हिम्मत भी हमें होती ना तो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मीना का पैर ठीक हो जाए तो तुम्हारे घर वाले इनकार नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे सर। इसका पैर ठीक हो जाएगा वो मेरा जिम्मा है, तुम लोग फिजूल की बातें मत करो। क्यों, प्यार है? ए भाई, क्या हाल है तुम्हारा? ओ, तुम कितने दिन हो गए तुमसे मिलके आए? खबर मिली थी कि घर में 10,000 रुपए हैं, जाके देखा तो बस 10 रुपए ही थे और पकड़ा भी गया, अंदर चला गया था। अंदर खाना बहुत बढ़िया था। खाली बढ़िया होने से कुछ नहीं होता, भेजे में कुछ होना चाहिए। मुझे देखो कैंसर को कैसे मेंटेन कर रहा हूँ। यार एक घोंचू है, महामूरख, कैंसर के नाम से कुछ भी करेगा। अरे 6.5 फुट की हाइट है उसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक चाकू का निशान। झूठ बोलने वाले 5 लोगों को उसने कत्ल किया है। वो इतना पावरफुल है हा? लेकिन मेरे सामने बच्चों की तरह रोता है। अब बोल कितना पावरफुल हूँ मैं? मुझे कैंसर है कह के खूखू खांसा तो 2,000 रुपया मिल गए। मच्छर की बुद्धि वाला भाई। रुको भैया, वही खत्म नहीं हुआ, फिर कल आवा रहा। भैया मुझे दिवाली के लिए पटाखे, मिठाई, नए नए कपड़े चाहिए कहा, तभी लाने के लिए गया है। महामूरख है भैया वो, मालूम है। सुनो भैया, अभी नु वापस आएगा ना तो उससे हम कहेंगे भैया हमको ट्रिपल बेडरूम फ्लैट दिलवा दो, और कू 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 करेंगे ना तो वो भी दिला देगा। उसका तो भेजा नहीं है। अमिताभ बच्चन की हाइट का है, मुझे कैंसर सुनते ही बच्चों की तरह रोता है। और उसके साथ चार चमचे भी होते हैं, एक एक की ये हाइट है, करके रोते हैं। एक की भी अकल नहीं है, सबके सब गेंडे हैं भैया। मैंने उस देवता के बारे में कहा था ना, यही है। आप आगे देवता छोड़ दो मालिक, अरे गलती हो गई हमसे। अरे इंस्पेक्टर, पास मर्डर करने वाला राजू नायक बोल रहा हूँ। आप सिटी सेंटर के पास छड़ा मर्डर करने वाला हूँ। क्यों रे, तो मेरा शक्ल देख के मरना चाहता था ना? ले इच्छा पूरी कर, इसकी खबर तो हम लोग ले लेंगे। आप परेशान मत होइए। अगर मैं पास गई तो भाव खाएगा, मैं भी एक्सरसाइज करूंगी, खुदा जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गया। हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अच्छा तुम भी डेली एक्सरसाइज करते हो? वेरी गुड। तुम्हें भी शौक है? ए, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करती तो उस दिन दूसरे काम में मन ही नहीं लगता। कल रात देर से सोई थी, वरना मैं 4 बजे उठ के एक्सरसाइज करती हूँ। गुड, एक्सरसाइज करने वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देखा लाइन पे आ रहा है, बॉडी एकदम फिट रहती है। अच्छा ये कैसा है? ये देखो यहाँ पे कैसा है ये? रुको भाई, दूर से। ऐसी भी लड़कियाँ होती है जो सुबह 10 बजे उठती है और टीवी के सामने बैठ के सीरियल्स देखा करती है, मुझे वो सब पसंद नहीं।
लड़की ऐसी हो जो सुबह सुबह उठे, एक्सरसाइज करे, भगवान की थोड़ी सी पूजा करे, माता पिता को कॉफी पिलाए और उनसे आशीर्वाद लेकर पढ़ाई लिखाई करे। अच्छा? हाँ। बेटी प्रिया क्या कर रही हो? एक्सरसाइज कर रही हूँ। क्या मजाक कर रही हो? रोज 10 बजे तो उठती हो, वो भी तब जब मैं कॉफी लाकर 50 बार उठाती हूँ। हाँ, सूरज पश्चिम से निकला है क्या जो 6 बजे उठ गई? हेलो, अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज। माँ की तो आदत है, जोक करती रहती है। जोक करने वाली माँ नहीं तुम हो। हाँ, रोज 10 बजे उठने वाली लड़की 5:30 बजे क्यों उठी ये भी नहीं समझ सकते बुद्धू। Everybody, sing it out. Just say namaste. Come on now, let's sing it on mask. Boom, 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 boom. देखो लॉलीपॉप कालो पे खेलते गुलाब, शेप देखो मैडोना रूप देखो बारे बार। काशी उतर।
काम पटा के जल्दी आ जाना। हे, तू भी अपनी वाली से बोलना कि जल्दी से छोड़ दे, सिटी सेंटर भी तो जाना है। हाँ जल्दी आ जाऊंगा, तू जा। कम ऑन डार्लिंग सोफिया। हे अबे कौन है तू? मास मास मुझे मत मारो, नहीं मुझे छोड़ दो, नहीं मुझे मत मारो, ना नो नो ना मुझे मत मारो, ना ना नो वो बाबू 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 क्या हो गया तुम्हें? बाबू 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 मास ने सत्या के दो गुंडों को मार दिया। आखिर में सत्या से टक्कर लेने वाला कोई आया है? कौन है वो? है कोई मास? इस खबर से लगता है सत्या और शत्रु का बुरा वक्त आ गया। सत्या और शत्रु के नाम से ये लोग ही जुल्म किया करते थे। वो तो है। हे हा, आजा सब आजा। सुनो शाम, दीदी सब नीचे आ जाओ। अरे सुनाओ, सबके लिए खुशखबरी है। सत्या के आदमी काशी और बाबू मारे गए। मास नाम का कोई आदमी है जिसने ये काम किया। दीदी दीदी देखो, दीदी तुम्हारे पति को मारने वाले को मास ने मार दिया। देखो दीदी, अरे देखो तुम लोग भी देखो, देखो भाई भाई भाई, किसी मास ने सत्या के दो आदमियों को खत्म कर दिया। सारा शहर कहता है कि अब सत्या से टक्कर लेने वाला मर्द आ गया है। हटो 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 भाई हटो। वो जो भी है उस्ताद है उस्ताद। ए, तुमने क्या कहा? मार दिया? सत्या के आदमियों को मार दिया? सच में मार दिया? ये वही है, वही है। इन्हें किसने मारा बेटा? किसी मास ने मारा। मास? वो भगवान है, भगवान है, भगवान स्वयं मास बन के आया है। मास का भला होगा, भला होगा, जरूर होगा। मैं और भी पूजा करूंगा, दुर्गा मैया की पूजा करूंगा। ए ऑटो, कौन है? दो साल बाद बाहर निकला है। इनकी बेटी की शादी के दूसरे दिन ही दामाद का खून हो गया। वो एक म्युनिसिपल ऑफिसर था, किसी जमीन के कब्जे के लफड़े में सत्या ने उसे मरवा दिया। उसी रात बेटी ने फांसी लगा ली। उस दिन से सत्या की बर्बादी के लिए प्रार्थना करते हुए कमरे में बंद था। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ए, हमारी समस्याओं का हल करना उस्ताद मास जो आया है। और तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम हो जाए फिक्र मत करना। चलो 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 सब चलो 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 चलो। भैया आओ। रेशमा मंदिर होके आ रही हूँ। तुम फीकी पड़ गई हो, हॉस्पिटल नहीं गई? गई थी, रास्ते में सत्या के गुंडे एक बुजुर्ग को मार रहे थे तो मैं वहीं से लौट आई। लोगों के मन से सत्या के नाम का खौफ मिटाने का दिन आ गया। कौन है मास? बोल, नहीं जानता। बोल, मास कौन है? बोल, नहीं जानता। बोल, नहीं जानता। बोल, मास कौन है? बोल, 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 नहीं जानता। गंगू you
लीजिए आपका बच्चा। थैंक यू। इट्स ओके। मर गया साला। Come on, चलो। जैसा आपने कहा काम वैसे पूरा हो गया। अच्छी बात है। और 4 तारीख को अंकल। डैड क्या हुआ? मास फिनिश। गुड। Cheers. सुअर, जो हाथ लगा उसे छोड़कर यहां बैठे खुशी मना रही हो? मेरा दिमाग कहता है कि वो अभी तक मरा नहीं। वही है मां। ए शत्रु, अब और मजा आएगा। खेल दिलचस्प हो गया है। हमेशा मैं ही मारा करता था, अब की बार तूने ट्राई किया। थोड़ा सा मिस हो गया। बैड लक, बुरा मत मानना। 1 तारीख को जब मैं तुझे मारूंगा तब भगवान भी तुझे नहीं बचा पाएगा। ए मास, सत्य अभी तक जिंदा है। अबे बुड्ढे, अच्छा मजाक है। हाथ पैर तो चलते नहीं, तू क्या बचाएगा अपनी औलाद को? उस ऊपर वाले ने तेरा एक हाथ सलामत छोड़ा है, जानता है क्यों? तेरे बेटे को आग देने के लिए। सत्या, दुनिया के लिए अगर तू यमराज है तो तेरा यमराज मैं हूं। मास, दम है तो रोक ले। मेरे हाथ पांव अगर सलामत होते तो मैं इसे काट के गली के कुत्तों को खिलाता। लॉक समझाने के बावजूद भी दोस्त का बाल भी बाका नहीं कर सका। ए शत्रु, तू अगर मेरा खून है तो पहले उस मास का इतिहास खत्म कर, उसके बाद मुझे अपनी शक्ल दिखा। गेट आउट। आज तक तुम्हारे डैडी की ऐसी बेइज्जती नहीं हुई, आगे तुम्हारी मर्जी। कौन हो तुम? तुमसे ही पूछ रही हूँ, कौन हो तुम? प्रिया, मैं जोक करने के मूड में नहीं हूँ, जाओ। मार्केट में जो भी फसाद हुआ मैंने खुद देखा।
बोलो वो सब तुम्हारी जान के पीछे क्यों पड़े हुए थे? पहली ही नजर में तुमसे प्यार कर बैठी। मुझे इस बात का दुख था कि आज तक मैं तुमसे ये कह न सकी, लेकिन अब मुझे इस बात का दुख है कि मैंने तुमसे प्यार किया। पता नहीं तुम्हारी वजह से कितनों की जान जाएगी, ऐसा होने नहीं दूंगी। सबको बुलाकर अभी बोल देती हूँ। रुको प्रिया, इनकी वजह से किसी की भी जान नहीं जाएगी। इसके बारे में तुम नहीं जानती। जानती हूँ रेशमा। नहीं भैया, तुम्हारे बारे में इसे जानना ही होगा। यही है मास। मास? घबराओ मत, मैं भी तुम्हारी तरह एक हंसने खेलने वाला इंसान था। ए, आज चाहे कुछ भी हो जाए उसे खत्म करना ही होगा। उसे हराना हमारे बस में नहीं है। ये काम वो जो बैठा है ना, वही कर सकता है। चला है? उस्ताद यहाँ से खिसक लो, वो आ रहा है। कौन है ये? यही मास है। मास? नाम क्या है? मास। मास, मास, मास। हाँ। क्यों? फाइट करने के लिए आया हो? किसने कहा? ए, किसने कहा कि मैं फाइट करने के लिए आया हूँ? मैं तो नाचने गाने के लिए आया हूँ। तो नाचना। नाचना। ठीक है। मास। मास। फिर से बोलो। चलते तो मास, दादा हिलते तो मास, दादा देखे तो मास, मम्मा मास। फिर से बोलो। इसकी पैंट भी है मास, इसकी शर्ट भी है मास, इसके मसल में मास, ये है मास, देख लो। ये जो आंखें उठा के जो देखे जिधर, उसके पीछे खड़ा सारा मास। मन सच्चा हो दिल अच्छा हो, मास देगा साथ और थपड़ थपड़ कपड़ थपड़ करेगा को तो मारेगा थपड़ मास। तुम भी गाओ ना दादा। हे ये अलग ठलग स्टाइल है मेरा, मेरी चाल पे बजेगी सीटियाँ। देखो अलग ठलग स्टाइल है मेरा, कोई क्या मुकाबला करे मेरा। दादा चल दे तो मास, दादा हिल दे तो मास, दादा देखे तो मास, मम्मा मास। इसकी पैंट भी है मास, इसकी शर्ट भी है मास, इसके मसल में मास, ये है मास, ये है मास। ये मिलजुल के तुम सब रहो और प्यार को बांटते चलो, जो अपने हैं उनका भी ध्यान तुम धरो, जो साथ है तुम्हारे उनका ख्याल भी करो, जो दोस्ती का वास्ता मुझे देता हो उसकी दोस्ती का हाथ है ये मास। मेहनत की रोटी को लूटेगा कोई तो उसको भी लूटेगा मास। मन सच्चा हो दिल अच्छा हो, मास देगा साथ और लपड़ छपड़ कपट छपट करेगा कोई तो मारेगा थप्पड़ मास। ये अलग ठलग साइल है मेरा, मेरी चाल पे बजेगी सीटियाँ। देखो अलग ठलग साइल है मेरा, कोई क्या मुकाबला करे मेरा। Shall we get a pot of water? Hey! Hey! Pass up, papa, pata, pata! Hey! Hey! देखो मीठी मीठी छुरी है ये, फूलों से गालों वाली, ये
ये परली की छोरी है, गाँव की है गोरी, थोड़ी दीवानी है और पागल है थोड़ी, रास्ते में चलती किसी को कभी ना परेशान करता है मास, कोई दिल से लगाएगी दिल तो कभी उस जा भी लुटा देगा मास। मन सच्चा हो दिल अच्छा हो मासी देगा साथ, और लबड़ छपड़ कपट छपट करेगा कोई तो मारेगा थप्पड़ मार। अलग थलग साइल है मेरा, मेरी चाल पे बजेगी सीटियां, अलग अलग साइल है मेरा, कोई क्या मुकाबला करे मेरा। दादा चल दे तो मस, दादा हिल दे तो मस, दादा देखे तो मस, मामा मस, मामा मस, इसकी पैंट भी है मस, इसकी शर्ट भी है मस, इसके मसल्स है मस, ये है मस, ये है मस। मैं देखती हूँ। अगर लोगों को पता चल गया कि मैं तुम्हारी बहन हूँ तो हम यहाँ रह नहीं पाएंगे। बहुत ज्यादा बोल रही हो, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर विश करने यहाँ आया हूँ। तुम्हारी विशेष की जरूरत नहीं है मुझे, जिस दिन सत्या को छोड़कर तुम आओगे तब विश करना। सत्या को छोड़कर मैं नहीं आऊंगा, नमक हराम है मेरे खून में नहीं। क्या सोचा मैं अपने भैया से सब कुछ बोल दूंगी? मर जाऊंगी पर नहीं बोलूंगी। सत्या को मिटाने के लिए मास को रहना है। दरअसल आज मैं बेहद खुश हूं, आखिर मैंने सही आदमी से प्यार किया है। नहीं, तुम्हारा ऐसा सोचना भूल होगी, मुझे तुमसे बहुत कुछ बोलना है। कैसे भी आज तुम्हें पकड़ना है बोल के आज यहाँ सीढ़ी पे बैठा हूँ। ऐसे किसी मंदिर की सीढ़ियों पे बैठता तो कुछ कमाई हो जाती। माँ जी सुन लेंगी। क्यों भाई, जोक मार रहे हो? किराया कब दे रहे हो? नहीं दूंगा। नहीं दोगे? वैसे किराया मांगने से लोग कल दूंगा परसों दूंगा बोला करते, तुम तो एकदम नहीं दूंगा बोल रहे हो। ओफो ठीक है, नहीं दूंगा। देखो मेरे बेटे से बोलूंगा ना, हाथ पांव तोड़ के वसूल करेगा। वैसे आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। आदि सुनो बेटा, ये मांस जानता हूँ। कैसे? लोग मन में कुछ सोचे उससे पहले ये आदि वो कर डालता है। किराया दे। नहीं दूंगा। ओके, पहली गलती हमेशा माफ कर देता है ये आदि, दूसरी बार पूछ रहा हूँ, भाड़ा दे। नहीं दूंगा बे। इज्जत कम हो रही है, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हुई तो ऊपर का कमरा तो रहेगा, उसमें तू नहीं रहेगा। आज तक इस आदि पर हाथ उठाने वाला मर्द पैदा नहीं हुआ। यानी आज तक औरतों से ही मार खाया है? ए, पिताजी छुरा का है। छुरा, छुरा। अबे जा। बेटा आदि मेरी बात सुनो, मर जाओ बेटा। मेरा नाम क्या है? मां कसम सबको काट डालूंगा। क्या हुआ जी? वो चला गया क्या? पार्वती तो अंदर जाके फोन ले आना, पहले वकील को फोन करूंगा, फिर आईजी को करूंगा, फिर जज साहब को करना है, तभी वो बाहर आएगा। किस लिए जी? किस लिए क्या मतलब, वो अभी मर्डर करने वाला है। छिज जाओ जी। आए, मुझसे छिज जाओ जी कहती हो? अबे जाना। भाई
बैठो भैया, टाइम हो गया। घर पे क्या बिल्डअप दिया यार? अगर इतना बिल्डअप ना देता तो मेरे बाप से पीछा नहीं छूटता। तुम हमेशा वक्त पे भाड़ा दिया करते थे, इस बार क्या हुआ? छोटा सा काम आ गया। समझ गया, तुम्हारी माँ से बोलना पड़ेगा। हाँ बोलो। ए भाई लगे रहो। चल चल चल। भैया कोई आदि नाम का आदमी आपसे मिलने आया है। आदि? हाँ। वो कभी यहाँ नहीं आता। आदि कैसे आना हुआ? वो छोटी सी प्रॉब्लम है भैया। अच्छा। हमारे शर्ट पर तिवारी आकर मुझ पर टूट पड़ा और मैं भी उस पर टूट पड़ा। उसने मुझे मारा, मैंने भी उसे मारा। कहकर गया गुंडों को लेकर आएगा, मैंने भी कह दिया गुंडे मेरे पास। लेकिन तुम्हारे पास गुंडे कहाँ है? तुम जो हो भैया, मैंने तुम्हारा ही नाम लिया है। अबे मैं तो मैकेनिक हूँ। भैया वो देखो, वो लोग आ रहे हैं। तैयार हो जाओ भैया, खेल शुरू करो। अरे भागो मास। अरे बाप रे, ये तो भागे जा रहे हैं। अरे भाई भाग क्यों रहे हो? अरे भाई रुक जाओ, वो आ रहे हैं। अरे बाप रे, अरे भाई रुक जाओ, अरे रुक जाओ भाई। मैं तैयार हूँ। अब आओ बच्चों। अरे उसने कहा कि तू बहुत बड़ा गुंडा है, मास है, और तू है कि वहां से धूम दबा के भागा और यहाँ आकर बैठ गया। गुंडा नहीं बच्चू, मांस। जब मेरा हाथ पड़ेगा ना तो तुझे दिन को चांद और रात को सूरज दिखेगा। वहां तो जगह कम थी, ये एरिया देखो काफी बड़ी है ना। लाठी चाकू वगैरह का इस्तेमाल मांस नहीं करता। मांस ने एक इशारा किया तो तूफान उठेगा। अरे सुना, ये तो जोक भी मारता है। जोक नहीं है, तुमने देखा नहीं भाई? जरा दिखा दो। ये रुपए का सिक्का नहीं, माता है। हाथ हटा। ते दनादन। छोड़ो छोड़ो, मुझे कुछ मत करना। नहीं, मैंने पहले ही कहा था ना, मैं तुम लोगों को भगा भगा के मारूंगा। क्यों, मजाक लग रहा है? नहीं, नहीं। इसे मारने आए थे ना? नहीं। ए इधर मार। नहीं नहीं, मारना। मार मार मार, मार। नहीं, ये तो शर्मा रहा है। तू मार। शाबाश। आदि पे किसी ने हाथ लगाया तो उसे जान से मार डालूंगा मैं। चल। मेरा बाप उड़ गया तो निकाल भाड़ा कह के दिमाग चाटेगा। धीरे। बाय, गुड नाइट। किराया देता है कि मैं वसूल करूं? अरे ये क्या है, निकाल छोड़ दो, कुछ मत करो। अरे चाकू किस लिए? बेटा तुम ऊपर जाओ, वो सचमुच मार देगा। वो भी मेरी तरह जोशीला है। मेरी और बात कहो ना तो फिर गुड नाइट। ठीक है चलेगा। अरे ये क्या कर रहा होगा? पार्वती चाकू छुपा लो। चाकू का तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इसे बचा लिया। हाँ। आधी रात को ये सब क्या हो रहा है? अगर ये उठ गया तो उसका किस्सा खत्म। अरे जाके सो जाना। क्या आता हूँ। मेरी कोई गलती नहीं माँ, सब उस आदि का काम है। मैंने बहुत बहुत मना किया था, थोड़ी सी पी ली बस। अब सॉरी कह दिया ना माँ, अब तो बात कर। सुन,
सुनो मां, बहुत दर्द होता है। कई दिनों से एक बात कहना चाहता हूं मैं तुमसे। अगर मेरी भी एक बहन होती तो कितना अच्छा होता। प्यार से दोनों बातें करते, एक दूसरे के सुख दुख बांटते। खैर छोड़ो, बहुत भूख लगी है मां, और खाना देने के लिए भी अपना कोई नहीं है। अब और बोलूंगा तो रो पड़ूंगा, इसलिए सोने जा रहा हूं। सॉरी मां, गुड नाइट। अंदर पूजा कर रही है तो डांस कर रही है, आप उसे समझाते क्यों नहीं? क्या राज का पुनर किसका पोज है? चांस मिस मत करना दादाजी, चुम्मा दे दो। मैं कह रही हूँ ना, चुम्मा दे दो। दादी माँ क्या सेक्सी लग रही हो, कम ऑन दादाजी, चुम्मा दे दो। चुम्मा दे दिया, उसके बाद दादी माँ ने क्या किया? उसके बाद क्या? I love you. आ गया मजनू। I love you. ए, शर्म नहीं आती तुझे? रोज बस स्टॉप पे खड़े होकर I love you बोलता है। खड़े होकर बोलना अच्छा नहीं लगा। Okay, बैठ के बोलता हूँ। I love you. बैठ के बोलोगे? पुलिस में कंप्लेन कर दूँगी। कर दो। अरे बाप रे, फिर से आ गया। Hi Anjali. Hi friends. Hi boss. अंजलि, कल रात को मैंने अपने लव के बारे में माँ को बता दिया, उन्होंने ओके भी कर दी। क्या क्या का क्या मतलब? पहला प्यार है ना, रात को बढ़िया सा सपना भी देखा था, हम दोनों की शादी हो गई, एक ही साल में जुड़े बच्चे भी हो गए, बेटा और बेटी, बेटे का नाम सूरज, बेटी का चांदनी। सूरज और चांदनी नाम पसंद नहीं है तो दूसरे नाम ढूंढ लेंगे, हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे। इत्मीनान से सोच लो, चाहो तो यार लेट के सोच लो। यू आई लव यू की कोई जल्दी नहीं है, तुम बाद में भी बोल सकती हो। बाय फ्रेंड्स। अंजलि ये क्या, आई लव यू तक पहुंचने से पहले बच्चों का नाम रख दिया? अच्छा पहले ये बता, तुझे बच्चों के नाम पसंद है या नहीं? होमवर्क करने के बाद ही खेलने गया था डैडी। बोल जा जा बेटा, अब मैं दिखाता हूं कि कौन हूं मैं। मत मारो इसे। अरे छोड़, अरे बच्चा है यार, चुप जा। क्या रहो ना, मत मारो। ये बोलने वाला तू कौन है? पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो तुझ जैसा आवारा बनेगा, माँ बाप के बगैर सड़कों पर पला बड़ा है, तेरे जैसे ही मैं अपने बच्चे को भी छोड़ दूं क्या? हाँ बोलता क्यों नहीं, मेरा बेटा है, मेरी मर्जी है, अपने बेटे को मारूंगा पीटूंगा, तुझे क्या पूछने वाला तू कौन होता है? हाँ तू तो एक अनाथ है, कुत्ते, मार डालूंगा। तुम छोड़ो भैया। क्या कहा तुमने? भैया को अनाथ कहा तुमने? जरूरत पड़ने पर हर किसी की मदद करने वाला मसीहा है ये, अब से इन्हें कभी अनाथ मत कहना, इनका मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम छोड़ो भैया। शादा भी कहीं का क्यों, तुझे भी गुस्सा आता है? और नहीं तो क्या भैया, वो तुम्हें सुना रहा था इसलिए कह रहा हूँ कि फटाफट शादी कर लो, तभी इन कुत्तों के मुंह पर ताला पड़ेगा। वो सब छोड़, थोड़ा हंसना। बस बस, कितना खिलाओगे? ए क्या भैया, पेट भर के खाओ ना। तो मैं तुझ जैसा बनूंगा। चटनी दो, देता हूँ ना। बस बस, ठीक है।
घी वो भी देता हूँ ना। भाड़ा निकाल बेटा। आदि ड्रामा बहुत हो गया, भाड़ा इसने कल ही दे दिया। दे दिया दे दिया। मैं इस महीने का भाड़ा नहीं मांग रहा हूँ, अगले महीने का। इसे कल ले जा रहे हो? ये बड़े आज खाने के लिए नहीं, कल खाने के लिए। ये इन्हें आज नहीं खिलाए तो यही बड़े कल तुम्हें खाने पड़ेंगे। ये अलग मुसीबत। क्यों रे, आज तक तुम तीनों मिलकर नाटक कर रहे थे तो मैं पहचान ना सका। मैंने किराया मांगा, इसने एकदम मना किया। मैंने तुमसे कहा, तुम परशुराम की तरह चक्कू निकाल के बाहर भागे। डर के मारे मैंने तेरी माँ से कहा जल्दी एडवोकेट को फोन करो, उसने कहा छी जाबे। क्यों रे, छी जाबे कहने के बजाय अबे बेवकूफ महामूर, असल में बात यह है कह मुझसे सच कह सकती थी ना। सॉरी जी। पैर क्यों पड़ रही हो? ओहो, इस गलती के लिए? नहीं जी। फिर किस गलती के लिए? आपसे शादी की उसके लिए। मुझे बुला रहे हो? हेलो हेलो, 1 2 3 माइक टेस्टिंग। हेलो, एक जरूरी सूचना देनी है, सब लोग 2 मिनट के लिए रुक जाइए प्लीज। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब सुनिए, लड़कियां ना भी सुने तो भी चलेगा लेकिन लड़के जरूर सुने। ये मेरी जिंदगी का सवाल, ये मेरे जीने मरने का सवाल है। गलती हो गई गुरु। वही यहाँ ये ट्रैफिक जाम कैसे? यहाँ जो चाहे जिसे चाहे प्यार कर सकता है, हर कोई एक दूसरे को लाइन मार सकता है। उन सबको मेरी शुभकामनाएं। आज तो ये माइक लगा के आया है, उसे कुछ अनाउंस करना होगा। तुझे क्या, घूम फिर कर आखिर में मुझ तक ही आएगा। अब मेरी ही बात ले लीजिए, उस लड़के का नाम है अंजलि, उस लड़की से मैं प्यार करता हूँ। मेरे खाना मुझ तक ही आएगा, माइक लगा के बोल रहा है। इसलिए मैं शराफत से कह रहा हूँ, उस पर किसी ने आँख उठाने की भी जरूरत की तो तूफान उठा दूंगा मैं। यू आई सर, आइए सर, सही वक्त पे आए, ये मुझे परेशान कर रहा है, अरेस्ट कीजिए सर। तुम्हारी शिकायत के बिना पर मैं इसे अरेस्ट करके हवालात में डालूं, फिर तुम आके अफफ ये वो नहीं है कहकर मेरे मुंह पे कालिक पोत दोगे, और ये महाशय मुझसे मुहूर्त निकलवाओ वरना तूफान उठा दूंगा कहेगा। ये सब मुझे जरूरी है महोदय, आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर। कहो तो ट्रैफिक क्लियर करूं? कर दीजिए सर। ओके ओके। पुलिस वाले से कंप्लेन किया तो उसे भी पटा लिया इसने। छोड़ ना, उसकी खबर बाद में ले लेते हैं। आई लव यू। ये गुलाबी गुलाब खास आपके लिए। आप खोचू, पूरे 200 रुपए खर्च करके माइक सेट लगा के ट्रैफिक को रोक के मैं इसे पटा रहा हूँ, तू आ गया बीच में आई लव यू बोल के। ए, तेरे से मैं बहुत सीनियर हूँ, चल जा वेटिंग लिस्ट में आ जा। ओ, तो वो महापुरुष आप ही हैं, आप ही की वजह से तो ये मुझे मिली है। थैंक्स, मैं प्यार करता हूँ, आप चलते बनिए। ए, क्या बकवास कर रहा है? चल फट। ये पहले ही बोल सकते थे ना। अंजलि देखो वो दोनों लड़ रहे हैं। हाँ तब तो जाके रोक, ये बस भी नहीं आ रही है। ओ विलन मैं हीरो, हीरो जब विलन को मारता है तो हीरोइन को आई लव यू बोलना चाहिए। बोलो ये सब क्यों कर रहे हो तुम? अपनी भूल के लिए पुलिस स्टेशन में सॉरी बोल दिया था मैंने, वहीं पर बात खत्म करनी चाहिए थी। दोबारा आके 2 मिनट बात करनी है कहके अपने नाम की कहानी सुनाकर मुझे कंफ्यूज कर दिया। आई लव यू कहकर माँ ने मंजूरी दिया, सपना देखा, बच्चे पैदा किए और बच्चों का नाम कैसा है पूछ रहे हो, और अभी माइक लगाकर दुनिया के सामने मेरे ये सब दिखाते हो। अगर तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो कल पेपर में छपवाओगे, परसों टीवी में अनाउंस करवाओगे। अरे वाह, ये पेपर और टीवी का आइडिया तो बहुत बढ़िया है, मुझे क्यों नहीं सूझी? छूने के लिए थैंक्स। आखिर तुम समझते क्या हो? यही कि तुम उसे बेहद प्यार करती हो। तेरा सर, सबने भी तुझसे प्यार नहीं करूंगी। करोगी? नहीं करूंगी। करोगी आज नहीं तो कल, तुम्हें करना ही पड़ेगा। पूरी जिंदगी निकल जाएगी लेकिन तुझसे प्यार नहीं करूंगी। ओके, चैलेंज? चैलेंज। इतना गुरूर है? बिल्कुल। तो 1 घंटा मेरे साथ बिताओ, तुम्हारा गुरूर चूर हो जाएगा। क्या करोगे? मेरी परछाई भी तुम पर नहीं पड़ेगी, फिर भी तुम मुझसे प्यार करोगी? नहीं किया तो? मैं तुम्हें कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। सचमुच वादा निभाओगे? कभी अपना मुंह नहीं दिखाओगे ना? ए अंजलि, तू क्या इसके साथ जाएगी? ए क्लास, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम जाओ, रोज रोज के इस टॉर्चर से 1 घंटे का क्लास कट कर दिया समझकर इसके साथ बिताऊंगी। क्या करना होगा? बस में चढ़ो, चलो। स्टॉप स्टॉप, तशरीफ लाइए। बाय क्लास। गुस्से में तुम और भी सुंदर दिखती हो। सोच रही हो मैं ऐसा कुछ कहूंगा
बदसूरत लग रही हो। सिर्फ एक घंटा साथ रहने वाली हो, थोड़ा मुस्कुरा नहीं सकती? बोलो कैसे भूलूं तुमको। यार मोहब्बत हो गई मुझको। अरे वाह, क्या हेयर स्टाइल है यार। भैया बहुत अच्छा भैया, कंटिन्यू कंटिन्यू। लुट गई जान मेरी, गोरी गोरी बंजारन आंखों में है चिंगारी, मीठी मीठी सीटी काहे की है देरी, अब तो है मिल जा रही। जब से देखा तुझको क्या हुआ है मुझको, बन गई अजब सी ये तो लव स्टोरी। बिन तेरे सताए दिल की बे करारी, तू मिले तो मिल जाए ख्वाबों की मंजिल मेरी। ओ मस्त मस्त मस्तानी, दिलकश दिल जानी, बन के दीवाना मैंने तुझे देखा, लुट गई जान मेरी, हर लुट गई जान मेरी। दे दे हर पल जीवन का तेरे नाम में लिख दूंगा। अदाखसे की बाबा क्या कहना, प्यार से तू मुस्कुरा दे, जरा प्यार से तू मुस्कुरा दे। तुम तो सिर्फ मेरी हो, कहता है मेरा दिल, जन्मों का ये बंधन तू ही मेरी मंजिल। मस्त मस्तानी, दिलकश दिल जानी, बन के दीवाना मैंने तुझे देखा, लुट गई जान मेरी, लुट गई जान मेरी। मुझसे प्यार भरा दिल मेरा, इसके कदमों में रख दूंगा। ये चांदनी मेरे जीवन में होती तो आरती उतार लेता, ये दुनिया छोड़ देता। ऐ मेरी मन मोहिनी, प्यार से जरा देख लो मुझे, तुम मेरी किस्मत हो, बाहों में ले लो मुझे। मस्त मस्तानी, दिलकश दिल जानी, बन के दीवाना मैंने तुझे देखा, लुट गई जान मेरी, लुट गई जान मेरी।
दो पैकेट देना यार। ये लीजिए। तुम्हारे टाइम के 45 मिनट तो पूरे हो गए। अभी 15 मिनट बाकी है ना, चल क्या जल्दी है। कहाँ? हाय। भैया, तुमसे मिले कितने दिन हो गए? क्यों रे? पिछले हफ्ते ही तो आया था, भूल गए? अंजलि, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। इन्हें नमस्ते बोलो। नमस्ते। कौन है ये? भाभी। भाभी? कौन भाभी? कौन भाभी? किसी का भाभी हूँ? कौन भाभी? बता। अंजलि, अंजलि, इतना टेंशन क्यों लेती हो? इनके भाभी कहने से तुम भाभी बन जाओगी। तुम्हें खुद पे भरोसा है ना? हाँ। हाँ। बच्चों को भूख लगी होगी, उन्हें खिला दो। हाँ? जितनी लंबी जुबान उतनी कम अकल। इतने सारे बच्चों के लिए इतना काफी होगा क्या? मेरे पास पैसे उतने ही थे। भैया हटो, सुनो, हमें पेट भर खिलाने की कोई जरूरत नहीं, प्यार से एक निवाला दो वही काफी है। हमारा कोई नहीं है भैया की तरह, कभी कभी तुम भी हमें देखने आया करोगी? जरूर आऊंगी। हमको सब लोग अनाथ बोलते हैं। अनाथ यानी क्या है? अनाथ यानी भगवान के बच्चे। मैं भी तो अनाथ हूं, मुझे भी एक निवाला खिलाओगी? चलो बच्चे लोग सब जाके खेलो जाओ। अंजलि, मैं तुम्हें यहां क्यों लाया जानती हो? ये एक मंदिर है, यहां कोई झूठ नहीं बोल सकता। अब बोलो, तुम मुझे चाहती हो या नहीं? मैं कॉलेज नहीं चलूंगी। क्यों नहीं जाएगी? उससे मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूं, मैं नहीं चलूंगी। यानी तुम उससे प्यार करती हो? मैंने कहा। कहने की क्या जरूरत है? बड़ी जोर की भूख लगी यार, चलो कैंटीन चलते हैं। हाँ, चलो यार। क्यों रे, अंजलि से प्यार करने वाला तू ही है ना? क्यों, लव लेटर भिजवाया उसने? क्यों? तुम्हें डर है कि कहीं मास ना आ जाए? अब वो नहीं आएगा, मैंने अपने भैया से कह दिया, अब तक वो उसके हाथ पांव तोड़ चुके होंगे। ये तूने क्या किया? तेरा भाई तो बहुत बड़ा गुंडा है, मुझे ये सब पसंद नहीं। फौरन फोन करके उसे रोक दो। उफो, क्या हुआ? भैया मांस की पिटाई करके यहाँ ला रहे हैं। अरे री, मेरे भैया नीचे गिर गए। भैया, जो मुझे मारने आता है उसकी मैं धज्जियाँ उड़ा दूं तो मैं मर्द कहलाने लायक नहीं। उसी तरह जिसे मैं प्यार करता हूँ उसकी इच्छा पूरी ना करूं तो भी मैं मर्द नहीं। क्यों, तुम चाहती हो मेरे हाथ पैर टूटे और खून बहे, इतना ही है ना? तुम यही चाहती थी ना कि मेरा सर फूटे और खून बहे? हैप्पी, अब तो मुझे समझो। मरना है क्या? ये हुई ना बात। अब वो कैसे हैं? वेट कीजिए। बहुत देर हो गई अंजलि, सुबह देखते हैं। घर पे तुम्हारे दादाजी और दादी माँ परेशान हो रहे होंगे, चलो चलते हैं।
जब तक पता नहीं चलता कि वो खतरे से बाहर है, मैं यहाँ से नहीं चलूंगी। काफी देर हो चुकी है डॉक्टर, अब वो खतरे से बाहर है, फिक्र मत कीजिए, आप जाके मिल सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। बीच सड़क पर किसी से चुम्मा लेती है, ऐसे क्या देखती है? मुझे कैसे पता चला? उसने देखा था। माफ कीजिए दादाजी, आप चाहे कुछ भी समझिए, मैं उससे प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। सूरज चांदनी। भैया ये भाभी की तरह से है। भाभी? हाँ भाभी। अरे रुको रुको, भैया आ रहे ना, आइए। वेलकम वेलकम। चलो ऊपर चलते हैं। अरे नहीं, क्या कर रहे हो भैया? माँ मैंने कहा था ना, पसंद आई? अंजलि मास। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। कैसे? नामकरण का सौभाग्य सिर्फ माता पिता को मिलता है, लेकिन एक प्रेमिका अपने प्रेमी का नाम रखे ऐसा सौभाग्य सिर्फ मुझे मिला है। आज ये तुम्हारा नाम है गणेश। मुझे जब भी प्रॉब्लम होती है तो मैं उस गणेश जी से बोला करती हूँ। आज के बाद इस गणेश जी से बोलूंगी। नमस्ते गणेश भाई। ए, जासूसी। अंजलि ये आदि है ना? मैं बताता हूँ, मैं गणेश भैया का छोटा भाई। तुम्हारे भैया का जो मैंने नाम रखा वो अच्छा है? नाम भी अच्छा है, तुम दोनों की जोड़ी भी अच्छी है, लेकिन तुम्हारे प्यार करने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं है। हाँ वही लेट कर दिया ना, अब पढ़ाई खत्म करते ही शादी कर लेना। उसके लिए एक साल लगेगा, कभी नहीं, कल ही शादी। शादी कल ही करने वाली हो? नहीं हो सकती मैडम, दूसरे लवर्स की तरह हम भी एंजॉय करेंगे, बाइक पर घूमेंगे, सिनेमा देखेंगे, साथ साथ आइसक्रीम खाएंगे और भी बहुत कुछ करेंगे। क्यों आदि? भाभी तो मजाक कर रही है भैया। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, तुम्हारी जो इच्छा है वो मेरे मन में भी है। तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जान गई, मेरे बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते। मेरी डैडी एक डॉन है, नाम है सत्या। बारह करोड़ का फायदा हुआ है डैड। अच्छा, गुड। चीयर्स। देखो शत्रु, तुम क्या करोगे आज कॉलेज में? अरे मैं बात कर रहा हूँ, अब जाओ। अंजलि तुम? भैया तुम मेरे भाई होने के साथ साथ एक दोस्त भी हो, लेकिन आज तुम्हें देखती हूँ तो मुझे डर लगता है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं दादी माँ के पास जाना चाहती हूँ, मैं वहीं रह के पढ़ूंगी। मेरे खातिर तुम ही डैडी को मनाओगे। पोती वहां आ रही है इस वजह से खुश होने की जरूरत नहीं, अंजलि वहां आपके साथ रह के पढ़ाई करेगी, सिर्फ पढ़ाई। वो छोड़कर कुछ और हुआ तो आप मेरे बारे में जानते हैं ना? जानता हूं। जिस दिन तुमने अपने प्यार का इजहार किया उसी लम्हे मैं तुम्हारी हो गई, लेकिन मेरे डैडी और भैया की डर की वजह से
आज तक तुमसे दूर रहती आई। अंजलि, पूरी दुनिया एक होकर मुझसे मुकाबला करे, फिर भी हम जुदा नहीं होंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अगर हमने अभी शादी कर ली तो वो हमारा कुछ नहीं कर सकते। गणेश, तुम्हारा अपना कोई नहीं इसीलिए अकेले हो, सबके होते हुए भी मैं अकेली हूँ। हमें एक दूसरे की जरूरत है। क्या? मेरे भैया की शादी है, जरूर आना, तुम भी आना। वैसे तुम्हारा भैया कौन है? कौन है? यहाँ देख। मन में तू, तन में तू, सपनों की दुनिया में तू ही तू। मस्ताना दीवाना, बस गया दिल में जाने क्यों। सपना सुपर था। कैसा सपना? तुम्हारी शादी के बाद के किस्से, मुझे शर्मा रही है। माँ से कहना चाहता था कि आज तुम्हारी शादी है, लेकिन डैडी को पता ना चले इसलिए नहीं बताया। अरे
माँ की तस्वीर लाना भूल गया, मैं लेके आता हूँ। भाभी हमारा इंतजार कर रही होगी। अरे मैं दो मिनट में आता हूँ, तुम जाओ जल्दी जाओ। जल्दी आ जाना भैया, ठीक है, ज्यादा देरी मत करना। हाँ। आओ बेटा शत्रु आओ। अंजलि कहाँ है? अंजलि शायद बाहर गई है। क्या हुआ? कौन है? हमें कुछ मत करो, हम कुछ नहीं जानते, इन्हें कुछ मत करो। साहब वो मंदिर गई हैं शादी करने के लिए। एक नौकर की वफादारी भी तुम दोनों में नहीं है, इसने सब बता दिया। अगर ये बात डैडी जान गए तो तुम्हें मार डालेंगे। हे, हम उस मंदिर को शमशान घाट बना देंगे, चलो। सॉरी माँ, मैं तुझे ले जाना भूल गया। चल भैया, छोड़ दो भैया, मुझे छोड़ दो भैया। भाभी कौन है तू? छोड़ आती, तुम चले जाओ। भैया भैया इसे कुछ मत करना। भैया भैया उसे जिंदा मत छोड़ना। वो देख लेगा, तुम लोग चलो। नहीं भैया, उसे कुछ मत कर भैया। रुक जाओ। आदि, क्या हुआ? क्या हुआ? माफ कर दो भैया, भाभी को उसका भाई जबरदस्ती ले गया। क्या? मैं उसे रोक नहीं सका भैया, उसे उसे मत छोड़ना भैया। आदि, 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 आदि,
पूरा दर्द दिल में छुपाकर उसे तुम लोगों के सामने जाहिर किए बिना मैं सबके सामने हंसी खुशी रहता था। पहली तारीख के लिए अब 3 दिन बाकी हैं। उसी दिन वहां आदि का क्रियाकर्म है और यहां सच्चा की मौत। उस दिन के बाद तुम अंजलि से नहीं मिले? नहीं, कल मुलाकात होगी। सत्या के किसी रिश्तेदार के घर में शादी है, अंजलि वहां जरूर मौजूद होगी। उन्होंने तुम्हें पहचान लिया तो? मैं कौन हूँ कैसा हूँ वो लोग नहीं जानते। तुम और अंजलि एक हो जाओ, यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। मैं अपने भैया को बहुत चाहती हूँ। बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई। माचिस, मैंने सुना है कि आप आग हैं, लेकिन यहां पर तो आपको आग मैं दे रहा हूं। एनीवे, हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया है आपका। थैंक यू। शादी में गई थी। मैं भी गई थी उस शादी। ले चलो, जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगी। घबराओ मत, पहली तारीख को तुम मेरी हो जाओगी।
भाषा में तुम हो, मेरे दिल की हर भाषा में तुम हो, जीवन धड़कन हाँ, हाँ, और सांसों में तुम हो, नैनों पलकों और सपनों में तुम हो, रात और दिन में शाम सहर में इंतजार में तुम हो, अंग अंग में रूप रंग में मेरा प्यार तुम हो, हे चंद्रमुखी तू सजनी मेरी, तू ही मेरे सपनों की रानी, हे चार मन जाने जा सजना पलमा, तू ही मेरा दिल पर जानी, थोड़ा प्यार कर लो थोड़ा प्यार, मेरे मन का पंछी तरस रहा है, कर लो थोड़ा प्यार, hey! Hey! दिल की बातें समझ ले गोरी, क्यों करती है तेरी सजना मुझ पर जादू, कर गई तेरी ये राखेरी, ओए कर लो थोड़ा प्यार, कर लो थोड़ा प्यार, मेरे मन का पंछी तरस रहा है, कर लो थोड़ा प्यार, कल शादी में आया था, कहा कि मेरा सूट बढ़िया था, मेरी बहन से बातें भी की, उसके माथे पर किस भी किया, तुम सब क्या कर रहे थे? हम उसे नहीं पहचानते भाई, नहीं पहचानते, नहीं पहचानते, नहीं पहचानते। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, अपनी डैडी से बात करो, क्या करना है वही बताएंगे। डैड से बात करनी है। किस बारे में? मास के बारे में। क्या बात करोगे? अपने डैडी की बात याद है ना, उस मास को मारने के बाद ही अपना मुंह दिखाओ कहा था उन्होंने, अब फिर से उनके सामने खाली हाथ जाओगे तो मार डालेंगे तुम्हें। तुम्हारे डैडी के बारे में तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं, मेरी बात मानो, ऐसे मुसीबत के वक्त तुम्हारे डैडी को भी सलाह देने वाला एक क्रिमिनल लॉयर है, दुर्गा प्रसाद, उन्हें बुलवाओ। आइए सर। आए शत्रु। हेलो सर, बैठिए। क्या हमारे आदमी ने सब बता दिया? ना नहीं, तुमसे सुनना चाहता हूँ। कुछ दिनों से मुझे एक आदमी टॉर्चर कर रहा है, उसका नाम है मास। हाँ वही। वैसे मैं अपनी पहुंच से चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर की मदद ले सकता हूँ, उससे उन लोगों में जो तुम्हारा डर है वो नहीं रहेगा। करेक्ट। मैं जानना चाहता हूँ वो कौन है। जानना है तो अपने दुश्मनों के बारे में मुझे बताना होगा। एक और बात, तुम जो कुछ जानते हो सही से बताओ, कुछ भी छुपाए बिना। कुछ दिन पहले हांगकांग की एक पार्टी ने मुझे पैसे भिजवाए थे, मगर मैंने उसको माल नहीं भेजा। वो नहीं है। वो भी नहीं। अपनी फैमिली के बारे में बताओ। फैमिली की जो भी बातें हैं आप सब जानते ही हैं। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, अंजलि पढ़ाई के लिए शहर से बाहर गई थी ना, उसे वापस क्यों लाए? वो कोई खास बात नहीं है, छोड़िए ना। ओके, मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ सर? मैंने पहले ही कहा था मुझसे कुछ छुपाना नहीं। सॉरी सर, बैठिए। टेल मी। मेरी बहन वहां किसी के प्यार के चक्कर में फंस गई थी, उसका पता चलते ही मैं उसे वहां से वापस ला रहा था,
तब उस लड़के का दोस्त हमारे आड़े आया और उसे मैंने मार दिया। अंजलि को यह हाल आए कितने दिन हुए? 4 हफ्ते हो गए। तो वही मास है? मास वो लड़का है, मगर उसका ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है सर। जिसका बैकग्राउंड है वो तुमसे भिड़ने से पहले नफे नुकसान की और अपनी जान जाने की फिक्र करता, लेकिन मास को ऐसा कोई डर नहीं। उसकी जंग है मोहब्बत की खातिर, फ्रेंडशिप की खातिर। फ्रेंडशिप और मोहब्बत में जो ताकत है वो तुम नहीं जानते। तुमने जिस दिन उसके फ्रेंड को मारा उसके दूसरे ही दिन वो यहां आ गया, हफ्ते भर तुम्हारी जानकारी हासिल की। उसके बाद उसने तुम पर हमला बोल दिया। चाहो तो अपनी बहन से पूछ लो कि कहीं उसका नाम मास तो नहीं। ना नहीं कहेगी, जाके पूछ लो, मैं यहीं पर हूं। अंजलि, तुझसे प्यार करने वाले का नाम क्या है? तुझी से पूछ रहा हूं। मास। इस तरह चौंक क्यों गए? तुमसे बराबर की टक्कर लेने लायक आदमी से प्यार किया इसलिए? ए, इस पर नजर रखना, यहाँ से बाहर ना जा पाए। तुम मेरी फिक्र मत करना भैया, भाग जाना, रोना धोना, भूखी रहना, ये सब मैं नहीं करने वाली। अपने मास को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो मुझे ले जाने जरूर आएगा, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपने सही कहा, वही मास है। उसकी शक्ल सूरत के बारे में जब अंजलि से पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। मैं उसी के शहर में जाकर उस कमीने को खत्म कर दूंगा। फिर से भूल कर रहे हो शत्रु, वो इसी शहर में है। इस तरह बोल बोल कर हमला कर रहा है तो उसे कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं, इसी शहर में ढूंढो। ये बताओ, आखिरी बार उसने तुमसे कब बात की? कल ही बात की थी। क्या कहा उसने? कह रहा था परसों मेरे रिश्तेदार की शादी में वो भी आया था, मेरे सूट की तारीफ की, अंजलि से बात भी की और भी बहुत कुछ किया। That's it. बड़े से बड़ा अकलमंद भी कोई ना कोई सुराग छोड़ता है। मास ने भी वही किया। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उसने बोल दिया कि वो शादी में आया था। फौरन उसका वीडियो कैसेट मंगवाओ, उसमें मास होगा। यही है मास। साहब ये कहां रहता है मैं जानता हूं। एक तरफ तुम और तुम्हारे सैकड़ों आदमी, दूसरी तरफ वो अकेला। खेल का मजा अब आएगा। ऑल द बेस्ट। मुझे चाहिए। इसने क्या किया मालिक? यही है मास। ये मास नहीं है, इसका नाम गणेश है, हम अच्छी तरह जानते हैं। सचमुच इसका नाम गणेश है, हमारे साथ इस अपार्टमेंट में रहता है। आप लोग बोलिए ना। हाँ, तुम भी बोलो ना। नहीं, मैं क्या बोलूं? ये मास है कि नहीं?
अगर किसी ने भी आवाज की तो भून डालूंगा। ए, चुप कर आन को। बोल, यही मास है ना? नहीं जानती। बोल, बोल। भाई, ये मेरी बहन है। तेरी बहन है? तो क्या छोड़ दूँ? कह रहे हैं कुछ नहीं जानती। सच बोल। क्यों मार रहे हो? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मास चाहिए मुझे। क्यों सबको मार रहे हो? वो मास नहीं, गणेश भैया है, वो हमारे भगवान है। भगवान है तो ठीक है, आरती उतार कर उसकी पूजा करूंगा। अब देखता हूँ तुझे तेरा भगवान बचाने आता है गणेश। तेरी जान ले लूंगी। छोड़ दे आप। सब लोग आ जाओ। गणेश कहके उसने हम सबको धोखे में रखा। हाँ बिल्कुल, उसे हमारे साथ यहाँ रहने दिया, यही हमारी गलती है। दया करके भैया पर इल्जाम मत लगाइए। भैया के यहाँ रहने से किसी को कुछ नहीं होगा। सत्य और शत्रु की वजह से हमारी तरह उन्होंने भी बहुत कुछ खोया है। अंजलि, तूने क्या कहा था? मुझे देखकर तुझे तरस आता है ना? अब तू फिर से डरने लगेगी। इनको बचाने के लिए मास यहां आएगा और तेरी आंखों के सामने उसे काट डालूंगा। क्या हुआ, तुझे शौक नहीं लगा? भैया, क्या है, मैं इन दोनों को छोड़ दूं? मास डैडी को उठा ले गया। बिच्छू, अभी तुम्हें देखकर मुझे तरस आता है भैया। क्या घूर रहा है तू? मुझे मारना चाहता है? अगर तेरे हाथ पांव ठीक होते तो मुझे मार देता। क्यों? मेरे एक इशारे पर ये सब तेरे टुकड़े टुकड़े कर देते। लेकिन मैं तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि तेरे बेटे को मरते हुए देखने के लिए तुझे जिंदा रहना होगा। बॉस, तू मुझे नहीं जानता इसलिए उछल रहा है। खुद को बड़ा डॉन समझता है ना तू? एक महीने से तेरे और तेरे बेटे के सर के ऊपर मैं मौत बन के मंडरा रहा हूं। शत्रु तुझे नहीं छोड़ेगा। ये कहते हुए शर्म नहीं आती? कहते पूरे शहर में तेरी हुकूमत है। क्या उखाड़ा है तूने? मैंने जो जो कहा ठीक उसी डेट पे कर दिखाया। कहा था पहली तारीख को आऊंगा, आ गया। ले, सामने बैठा हूं। ए सत्या, बुला अपने बेटे को। तूफान, तूफान उठा दूंगा। जा। उसे जान से मार दे।
उसे मारो मारो। क्यों बे? तेरे बुलाने पर ही वो उठेगा? बुला बुला उसे, उठा उठा उसे, उठा। करता है मेरी गैर हाजिरी में लोगों को मार के औरतों को ले जाने वाला तू खुद को मर्द समझता है? ए, सुना है तू सबको तीन चांस देता है? ए, मैं तुझे देता हूं, उठा आजा। अरे आना, दूसरा चांस, उठा आजा। मां बनने वाली औरत के पेट पे लात मारते वक्त अपनी मां की याद नहीं आई तुझे? अपनी जान तुझे इतनी प्यारी है तो दूसरों की जान से क्यों खेलता है? अरे
सब रुक जाओ। इसके लिए अपने जान देने के लिए भी तैयार हुआ करता था मैं, लेकिन इस कमीने से मैंने अपनी बहन की जान की भीख मांगी पर इसने नहीं सुना। कल तुम्हारे साथ भी यही होगा, इसलिए इसे कोई नहीं बचाएगा। घबरा मत, दोनों को बराबर का मौका, लास्ट चांस। मौत की जितनी दूरी पर तू है, मैं भी उतनी ही दूरी पर हूं। दम है तो सामना कर। मेरा अपना कहने वाला एक ही था, उस शादी को भी तूने बेरहमी से मारा। उसे मत छोड़ भैया। मैं तुझे मारूंगा नहीं, तू जिंदा लाश बन के जिएगा। अंजलि, मास, जिंदगी में पहली बार एक मर्द से टक्कर हुई है। सियासत में शिकस्त हो तो शान जाती है, और जंग में शिकस्त हो तो जान जाती है। ओए कर लो थोड़ा प्यार, कर लो थोड़ा प्यार, मेरे मन का पंछी तरस रहा है, कर लो थोड़ा प्यार। सुन लो